तो फाइनली हम लोग को मिल गई अपने मतलब की चीज़। ये देखिए यहाँ पे प्रोटीन बार्स वगैरह हैं। तो प्रोटीन बार का नाम तो सुना था, ये योगा बार का नाम कभी नहीं सुना था। Hey what's up guys, good morning and welcome to my another vlog। दोस्तों जैसा कि मैं सुबह उठ चुका हूँ और आज मैं रेडी भी हो चुका हूँ, मैंने सोचा आज रेडी हो जाऊँ उसके बाद आप लोग से बात करता हूँ। बस मैं मील भी अपनी ले चुका हूँ, बस मुझे अब अपना प्रोटीन शेक लेना है और अपनी बस आफ्टर वर्कआउट की मील लेना है, बाकी मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है। तो फाइनली दोस्तों मैं रेडी हो चुका हूँ और बस अब मुझे अपनी फुल स्लीव्स की एक टी शर्ट चाहिए, क्योंकि जब धूप बहुत होती है तो फिर हाथ एकदम काले हो जाते हैं, टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, अंदर की बॉडी कुछ और हाथ की बॉडी अलग, तो काफ़ी लोग टोकते भी हैं। तो आइए दोस्तों मिलते हैं जिम में। तो जैसा कि ऑलमोस्ट मेरा चेस्ट का वर्कआउट कंप्लीट हो ही गया है और अब बचा है शोल्डर्स। शोल्डर्स भी मैं एक घंटे में कंप्लीट कर लूँगा और उसके बाद मैं अपना मील लूँगा रोज़ की तरह। दोस्तों जैसा कि मैं सो के उठ चुका हूँ और अभी मेरे दोस्तों को कॉल आ रहा था, बहुत देर से कॉलें पड़ी थी, मैं तो सो रहा था कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, आप जैसे देख सकते हैं पीछे का व्यू कितना ज़्यादा ज़बरदस्त आ रहा है, जामा मस्जिद वगैरह दिख रही है। पहले मैं मना कर रहा था लेकिन उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो यार फ्री तो है ही है, कहीं घूमने के लिए चलते हैं। तो ये लोग कह रहे हैं लुलू मॉल या फिनिक्स प्लासियो, देखते हैं लोग कहाँ जाने के लिए बात कर रहे हैं। सो अभी मैं हो जाता हूँ रेडी, क्योंकि अभी मैं जस्ट सो के उठा हूँ, नींद तो मेरी पूरी हो गई है, अभी लंच भी बस जस्ट अभी मैं करने ही जा रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है, शाम का बज रहा है 5, अभी तक मैंने लंच भी नहीं किया है। सो ये दोस्तों रेडी होने के बाद में मिलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं रेडी हो चुका हूँ, 5 से 6 शर्ट और टी शर्ट बदलने के बाद मैंने डिसाइड किया है मैं आज ये पहनूंगा, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है यार क्या पहनूँ, अब बस डियो लगाना ही बाकी रह गया है। दोस्त मेरे फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, वो दूसरे फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे और मैं देख नहीं पा रहा था। तो चलिए दोस्तों फाइनली दोस्तों हम लोग कार में बैठ चुके हैं और हम लोग निकल चुके हैं, पता नहीं लुलू मॉल जा रहे हैं हम लोग, क्लासियो जा रहे हैं खरिया, आज बूमबॉक्स बिल्डिंग, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं भाई हम लोग, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, अचानक से इन लोग का प्लान बना। तो अरे हम तो समिट बिल्डिंग है, समिट बिल्डिंग, चलिए देखते हैं, आप लोग भी लखनऊ आइए और समिट बिल्डिंग घूमिए एक बार। तो जैसे कि ये है हमने काहिल दोस्त, जो कि गाड़ी चलाना ही नहीं चाहते एकदम भी, बहुत बड़ा काहिल है, आप ये गाड़ी चलाएंगे, पता नहीं क्या दिक्कत है यार इन लोगों को गाड़ी चलाने में। Finally, we are in Lulu Mall. तो दोस्तों जैसा कि कार पार्क कर दी हम लोगों ने और आप लोग देख सकते हैं यहाँ की पार्किंग कितनी ज़्यादा बड़ी है,
यहाँ की पार्किंग इतनी बड़ी है और यहाँ 2 घंटा जो है वो फ्री है कार पार्क करना, उसके बाद में चार्जेस यहाँ पड़ते हैं। यहाँ का एक दिन का जो रेवेन्यू आता है पार्किंग से वो है 25 लाख, बहुत ही बड़ा अमाउंट हो गया। तो आइए दोस्तों अंदर चलते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं लूलू मॉल के अंदर। आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा मॉल है ये। अभी पूरा मॉल आप लोग को दिखाएंगे। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर ना आ रही हो तो फिर इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा, वॉइस बहुत ज़्यादा है, तो इसे हो सकता है मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर ना आ रही हो। काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ पे, मुझे लग रहा था कि सन्नाटा होगा। ओ यहाँ पे इंडिया का मैच आ रहा है तो मैंने देखा ही नहीं, आज इंडिया का मैच था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया का मैच चल रहा है। इतना ज़्यादा बड़ा है कि मैंने आज तक कहीं का फूड कोर्ट इतना देखा ही नहीं है। बहुत बड़ा यहाँ का फूड कोर्ट है, हर चीज़ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये डोमिनोज आ गया अपना। KFC से कुछ खाने पीने का ऑर्डर करते हुए, हाँ भाई जी जीरो रुपये, किसी और का बिल तो नहीं है। तो चिकन खाने के बाद में हम लोग जाएंगे थोड़ा सा मॉल घूमेंगे, आप लोगों को भी पूरा मॉल विजिट कराएंगे। बहुत सारी ब्रांड्स हैं यहाँ पे, फूड कोर्ट इतना ज़्यादा बड़ा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। पूरा एक फ्लोर पे फूड कोर्ट ही है, एक फ्लोर बहुत बड़ा यहाँ पे फ्लोर है। फाइनली गाइस खाने पीने के बाद में हम लोग चल चुके हैं पंटूरा, जो कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा, यहाँ पे बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। झूले मॉल के गेम जोन का पूरा है, बहुत ही अच्छे अच्छे टॉयज हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे गेम्स हैं। आप लोग अपने बच्चों को भी ला सकते हैं और खुद भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ही, ये देख रहे हैं आप, अच्छा हर तरह के यहाँ झूले आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बच्चे गए हैं तो बड़े बड़े डर गए।
सो जैसा कि हम लोग काफ़ी मॉल घूम चुके हैं, काफ़ी देर हो गए हम लोग को, 2 से 2.5 घंटे हो गए, लेकिन अभी भी पूरा मॉल नहीं घूम पाए हम लोग, काफ़ी बचा। अभी तो हम लोग ने सिर्फ हाफ पोर्शन ही इसका घूमा है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये मॉल, आप लोग नीचे भी देखिए। काफ़ी ज़्यादा मैंने फुटेज ले ली है हर तरफ की, यहाँ के खाने पीने की, यानी ये जो पंचपुरा है जहाँ गेम जोन है उसकी भी ले ली है, और यहाँ के काफ़ी शॉप्स की हैं काफ़ी, उसकी भी ले ली है, जितने भी स्टोर्स वगैरह हैं उसकी भी फुटेज वगैरह ले ली है, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो फाइनली हम लोग पूरा लुलु मॉल घूम चुके हैं, बस अब लास्ट बची है लुलु हाइपर मार्केट, आप लोग देख सकते हैं हाइपर मार्केट बहुत ही बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी हाइपर मार्केट यहाँ की। फाइनली हम लोग को मिल गई अपने मतलब की चीज़, ये देखिए यहाँ पे प्रोटीन बार्स वगैरह हैं, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, आप लोग यहाँ आके प्रोटीन बार्स एंड अपने प्रोटीन शेक्स वगैरह खरीद सकते हैं। देखते हैं ऑन का गोल्ड स्टैंडर्ड वे प्री वर्कआउट एंड ग्लूटामाइन वगैरह मिल जाएगा आप लोग को, और ख़ासकर प्रोटीन बार वगैरह तो काफ़ी मिल जाएंगी। तो लुलु मॉल में आइए, यहाँ पे शॉपिंग करिए, आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो प्रोटीन बार का नाम तो सुना था, ये योगा बार का नाम कभी नहीं सुना था, योगा बार कौन सी बार होती है, तो लगता है प्रोटीन शेक वर्कआउट के बाद एंड योगा बार जो होते हैं वो योगा के बाद। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे काफ़ी सारी वेजिटेबल्स हैं, है। दोस्तों हम लोग पूरा अपना लुलु मॉल घूम चुके हैं, काफी टाइम लग गया, 2 से 3 घंटे लग गया पूरा मॉल घूमने में, वो भी पूरी तरीके से नहीं घूम पाए हम लोग। सो अब फिर कभी आएंगे, काफी लेट हो गया, 9:30 बज रहा है रात का, और हो सकता है अभी जिम भी मुझे जाना पड़े, आज मैं ऑब्लिक्स भी नहीं ट्रेन कर पाया अपने। सो दोस्तों ये है, तो दोस्तों ये है डी कैथलॉन में आप लोग कोई भी स्पोर्ट्स वेयर या स्पोर्ट्स के कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हैं, लखनऊ में गोमती नगर में भी है एंड यहाँ भी है ये। तो आइए लुलु मॉल में, अगर आपको कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी कुछ चाहिए तो इसलिए आप लोग बाय कर सकते हैं। लुलु मॉल की पार्किंग इतनी ज़्यादा बड़ी है कि हम लोग भूल गए हम लोग ने कार अपनी पार्क कहाँ पे करी थी, ये देखिए सब लोग कार ढूंढते हुए। तो दोस्तों फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं और अभी बज रहा है 11 रात का, तो आज मैं जिम नहीं जा पाया हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई, अब तो जिम भी बंद हो गया होगा, आज मैं अपने ऑब्लिक्स भी नहीं ट्रेन कर पाया हूं, और आज तो मुझे डिनर करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस अभी रात को सोते टाइम 1 घंटे बाद मैं अपना प्रोटीन शेक पी के सो जाऊँगा।
तो दोस्तों यही था, आज मैं लूलू मॉल घूमने गया और सुबह अपना वही डेली का रूटीन जो वर्कआउट वगैरह है। सुबह की तो डाइट मेरी सही हो गई थी, बट हाँ रात में थोड़ा चीट मील हो गया, बट कोई बात नहीं, कल थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर लेंगे, थोड़ा इन्जॉयमेंट भी होना चाहिए लाइफ में। सो दोस्तों यही था मेरा आज का व्लॉग, अगर व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। कल मिलते हैं एक नए वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।